बेबी के दादा और पापा दोनों बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। केसर वाला दूध है, हाँ ये केसर वाला है दूध। लोगों ने यहाँ पे ये देखो ये ट्रैवल कोट फिट कर दिया, फिट एक बार फिट करके देख लेते। आज इंडिया वाला में आपका स्वागत है। आज जुगल वो एक इलेक्ट्रिक ग्लास फिटिंग है, ग्लास है एडी वाला है, वो फिटिंग के लिए तैयारी कर रहा है। उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मम्मा, उनकी बीवी और उनकी सास। बैठे वो बैठे वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे सुबह से इंडिया की जैसे बारिश हो रही है। और एक्चुअली ये समर में कैसा है कि काफ़ी टाइम से समर है लेकिन समर ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि मॉनसून ही पूरा है और ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा बारिश गिरी है। सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश है और कंटिन्यू ऐसा है कि समर में तुम प्लानिंग भी करो तो भी नहीं कर सकते। अभी सोचो कि एक दो दिन कल थोड़ा सा धूप निकला था और कल तो आधे दिन भी बारिश थी और कल आधे दिन धूप था और आज तो पूरा दिन सुबह से बारिश है। सो ये हमारे गार्डन का व्यू, कुछ भी प्लानिंग भी नहीं कर सकते। तो मैं अभी यहाँ मेरे गैरेज में से एक जो ट्रैवल कोट होता है बेबी के लिए वो लेने के लिए आया हूँ। सो मुझे देखो अभी तो ये बड़ा वाला कोट है, अभी उसको बाद में फिट करना है लेकिन अभी टेम्पररी रक्षा ने बोला कि एक बार ट्रैवल कोट देख लेते हैं। जो ट्रैवल कोट कहाँ या यहाँ कहीं पर ही रखा हुआ है हमने, तो सो पहले हम लोग यह ट्रैवल कोट एक बार फिट करके देख लेते हैं। तो मेरे हाथ में से मैं फ़ोन शूट कर रहा था और हाथ में से फ़ोन गिर चुका है। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, जो उसके ऊपर जो ग्लासेस होता है सेफ ग्लासेस वाला वो थोड़ा सा क्रैक हो चुका है, बाकी कुछ हुआ नहीं स्क्रीन को। अचानक से मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया, मैंने स्टैंड पे रखा था और बारिश की वजह से हाथ थोड़ा सा गीला था उसकी वजह से हाथ से छूट गया। ओके सो मैं अभी यहाँ पर ट्रैवल कोट लेने के लिए आया और ट्रैवल कोट लेकर मैं अंदर जाऊँ कि यहाँ पर हम लोग सोचे यहाँ गैरेज में फिट करें लेकिन बारिश बहुत है और फिट करने के बाद लेके जाना उससे बेटर है कि बॉक्स ही में पूरा लेकर जाओ, थोड़ा सा सेफ रहता है। सो लेट्स गो, मैं अभी यहाँ से एक बार ट्रैवल कोट फाइंड करता हूँ क्योंकि इतने सारे स्टॉफ है अभी यहाँ पे गैरेज में। हम लोगों ने सोचा नहीं था जब स्टार्टिंग से आए तो बहुत खाली गैरेज पड़ा था, पर फिर भी इतना सारा एक 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 स्टॉप करके रखते जा रहे थे तो पता नहीं चला गैरेज वैसे भी फुल हो चुका था। लेट्स गो, हम लोग पहले फाइंड करता हूँ मैं ट्रैवल कोट। हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो यार ट्रैवल कोट फिट कर दिया, फिट करने का कुछ है ही नहीं था, बहुत ईजी था, सिर्फ उसको फोल्डिंग ही था और ये छोटी सी उसकी बैग है, ये बैग में उसको यहाँ पे आज आ चुका था, इतनी ही सी बैग है, हम लोग कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इसको। जस्ट अभी ओपन किया, फोल्डिंग था। इंडिया के लिए लिया है कि जब इंडिया जाएंगे तो लेकर जाएंगे। इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ पे भी कहीं भी ट्रैवल करते जाते हैं तो फिर ये बेटर रहेगा, पर इसमें थोड़ा सा ये है कि बहुत नीचे की साइड पे है तो रेगुलर यूजेस में हम लोग नहीं चल सकते ये ट्रैवल स्टार्टिंग में, उसके बाद तो हम यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग हाँ। में नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में बेंड होना हार्ड होता है, बच्चे को लेना और हाँ बच्चे को लेना वो टफ हो जाता है क्योंकि बहुत बेंड होना पड़ता है यहाँ, बहुत नीचे की साइड पे। 3-4 महीने का होगा ना, उसके बाद तो इसमें अच्छे से खेलेगा सोएगा हाँ, तो ठीक से हो पाएगा और इसीलिए इसको नाम दिया है ट्रैवल कोट के। जब आप ट्रैवल करते हो तभी ये यूज करो, तो इतना छोटा है। ट्रैवल कोट से मदर कंपनी का है हाँ, ये मदर केयर कंपनी यहाँ पे अच्छी है, यहाँ स्टैंडर्ड कंपनी है, बहुत स्टैंडर्ड कंपनी, उसका हम लोगों ने ये लिया हुआ था। तो बस अभी चेक कर रहे थे कि ये घर पे रेगुलर यूजेस में चल सकता है कि नहीं चल सकता, तो कभी कभार चल सकता है और कभी कभार ट्रैवल के लिए बेटर होगा। तो हम लोग अभी 3 महीने के बाद हम इसको ओपन करेंगे हाँ, तब कर सकते हैं, कहीं लेकर जाते हैं बेबी को तब हम लोग यूज कर सकते हैं, तब तक के लिए उसको वैसे ही यहाँ पर रखते हैं। और हमारे पास जो बड़ा वाला कोट है अभी वो एक बार ट्राई कर लेते हैं ऊपर बेड के बाजू में रखने के लिए। यहाँ पे फिर से पाव भाजी है, कल शाम को रक्षा ने जो पाव भाजी बनाया था वो काफी बन चुकी थी और शाम को किसने ज्यादा खाया नहीं था, सिर्फ रक्षा ने ज्यादा खाया था, सबने खाया था लेकिन भाजी ज्यादा इसीलिए बनाई थी हाँ ज्यादा बनाई थी क्योंकि ये लोग बाहर गए थे शॉपिंग करने के लिए तो आने के टाइम पे ज्यादा भूख लगती है तो रक्षा ने कुछ ज्यादा बना दिया था, तो वही पाव भाजी आज अब तो हमें सुबह खा रहे हैं। सब लोग ज्यादा ऐसा ही करते हैं, जो बचा है वो दूसरे दिन खा सकते हैं ना हम लोग, और यहाँ पे ज्यादा खा सकते क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी होता नहीं है और ठंडी में तो खा सकते हैं पाव भाजी। सो हम सब लोग पाव भाजी खाएंगे और रक्षा इसके साथ खाएगी बाजरे की रोटी, बाजरे का रोटला खाएगी क्योंकि उसको उसको वो ज्यादा पसंद है, वो खाती नहीं है ना एक वीक में एक भी रोटला, उसको अच्छा नहीं लगता, उसके साथ वो खाएगी छाछ बटर मिल्क, देसी खाना मैं नहीं खाऊंगा।
क्योंकि इन्होंने अभी दबा दबा कर 11 o'clock खा लिया। हाँ, उन्होंने सबसे लेट ब्रेकफास्ट किया। हाँ, वो गार्लिक और प्याज नहीं खाते तो उनके लिए अलग से है। ठीक है, खत्म हो गई। हाँ, उनके लिए है अलग से, भूख लगेगी, वही खत्म करनी है, वही खत्म करनी उनको। वैसे भी उन्होंने ब्रेकफास्ट लेट किया था, इसीलिए फिर आज वो हम लोग के बाद खाना खाएंगे। सो अभी हम लोगों ने जस्ट खाना खा लिया और स्टिल अभी भी बारिश है। सुबह 5-6 घंटे से ऐसी बारिश है, ज़्यादा नहीं है, स्लो गिर रही है। और अभी हमें जाना है, जो आप लोगों ने हॉस्पिटल चेंज करवाया है, रक्षा की रॉयल से चेंज करवा के हम लोगों ने जनरल रखा है, तो अभी वहाँ पर जाना है। एक बार देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है डिपार्टमेंट फाइंड करना और पार्किंग से लेके, तो आज सोचा कि एक बार जाके आते हैं और फिर देख लेते हैं, तो लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा टफ ना लगे। तो हम लोग जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 लोग बारिश में, और मैं लॉक खोलूंगा नहीं, खोल तो नहीं। मैं लॉक नहीं खोलूंगा, बारिश में नहाने का मजा लो। ये लोग घर से लेट निकले अंदर है क्योंकि हम लोग ऐसा लगा कि मैं लॉक खोल के रखूंगा और जल्दी से आके अंदर बैठ जाएगा, तो मैं लॉक खोला ही नहीं ना। पर इतनी कम बारिश है तो बनाने का मजा भी आ रहा है ना, लेकिन ठंड भी नहीं है इतना, नहीं है ठंड, पर इन दोनों को ठंड है, सबको मजा आ रहा था। अगर ये लोग बीमार पड़ गए और मेरा बेबी आया तो फिर लुक आफ्टर कौन करेगा? हाँ, इसके लिए मजाक पूछवा, इन लोगों की हम लुक आफ्टर करेंगे या वो लोग हमारी करेंगे? उनको बारिश में घूमने का मजा भी अच्छा है क्योंकि ठंड ठंड नहीं है। जा रहे हैं सिर्फ हॉस्पिटल का रास्ता देखने, तो इन लोगों को भी, इन लोगों को भी हाथों हाथ में आना है। लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जैसे देख के अभी घर पे आए, वो जनरल हॉस्पिटल काफी अच्छी है, थोड़ा सा ही दूर है, इतना डिफरेंट नहीं है रॉयल और जनरल के बीच में, पर थोड़ा अच्छा है। लेकिन पार्किंग वगैरह से लेके हर एक चीज़ वहाँ पे थोड़ा अच्छा है, रिसेप्शन में सब कुछ हम लोगों ने पूछ लिया। और अभी जैसे हम घर पर आए और हम लोगों ने जो बताया था कि ये है जो कोट हमें यहाँ पे फिट करना है, तो इसको ये कपड़ को ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने मूव कर दिया, अभी इस कोट को यहाँ पे अभी एक बार फिट करके देखते क्या। ये देखिए गाइस, अभी बेबी का मेन जो कोट है वो फिट कर रहा है जुगल। ये हमने मेन कोट लिया था जो बेबी 5 ईयर तक इसमें सो सकता है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ तब तक ये बेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये पापा और जुगल दोनों फिट कर रहे हैं, किस तरह से सेट करें। हम लोग ने एक साइड ये फिट कर दिया हुआ है और इसको हम लोग अभी हाइट हमारे पहले एक बार हाइट इसके इसको हम बेड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो मिडल में ही उसको रखना पड़ेगा। फिर बेबी जब जैसे बड़ा होगा उसके बाद हम नीचे बेड की तरफ भी कर सकते हैं। अभी तो वो निकलेगा नहीं बेड से, है ना, अभी तो इसमें से निकलेगा नहीं, तो हम थोड़ा हाइट में ही रखेंगे। लेकिन जब बेबी बड़ा होगा तो फिर थोड़ा डाउन कर देंगे। और आ गई है थियाना भी इधर रुकने के लिए क्योंकि उसकी हॉलीडे है, तो 1 week के लिए आई हो ना तुम रुकने के लिए मासी के पास, है ना, बेबी के साथ खेलने आई हो ना। हाँ देखो, बस पति बेबी के दादा और पापा दोनों बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। हो गया है ये बेड फिट और बेड के साथ कनेक्ट भी हो गया है। और अभी के लिए थियाना ट्रायल कर रही है कि बेबी को कैसा लगेगा, तो थियाना सो गई है अभी। थियाना ने सबसे पहले ट्राई किया क्योंकि ये नियरली लाइक 7 या 8 साल के बच्चे के लिए इनफ है। और थियाना कितनी है, इट मींस कि हमारा बेबी अभी से लेकर इसकी एज तक 6 ईयर तक आराम से सो सकता है, आराम से चल सकता है। तो हमने एक साइड का नहीं किया क्योंकि ये कनेक्ट हो जाए, इसीलिए अभी ट्रायल कर रही है थियाना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थियाना ऐसा बोल रही है कि मैं बेबी नहीं हूँ छोटी, तो ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा बोल रही है। नहीं, बेबी के लिए जब तक बेबी आएगा तब तक थियाना सोएगी ना। हाँ, फिर बेबी आएगा फिर थियाना और बेबी दोनों साथ में। मेरे घर का भी ऐसा कोट है, नहीं कोट है कि नहीं है। तो मेरे पापा ने आज आपको थोड़ा सा आज मेरे पापा ने वीडियो बनाया, उन्होंने आज स्टार्ट भी वीडियो, ये आज का वीडियो उन्होंने स्टार्ट किया था सुबह। और यहाँ पे दोपहर में उन्होंने बताया था कि वो श्रीखंड बनाने वाले हैं, वो घर पे बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कुछ रेसिपी बनाया था, उन्होंने ये जो यहाँ पे योगर्ट आता है, दही आता है, उन्होंने जमाया हुआ था और फाइनली अभी सुबह से जमाया हुआ था और अभी उन्होंने निकाला हुआ है क्रीमी दही यहाँ पे। और ये बन चुका है शायद, बनेगा, और उसमें से पानी तो निकाल दिया है, ये सब यहाँ पे पानी निकाल दिया। उसके बाद अभी मैं ये जो दही है बिना पानी का एक माप ले लेता हूँ, जैसे शुगर उसके किस तरह से मिले, तो बहुत
शुगर भी माप की होनी चाहिए। तो ये उसमें माप है, ये दो दो वाट की दही, तो उसके सामने एक वाट की शुगर चाहिए। सो ये शायद कल तक बन जाएगा ये पूरा? नहीं नहीं आज ही बन जाएगा, आज ही बन जाएगा और हम लोग खाएंगे कल। इसको थोड़ा सा और चिल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे तो ठंडा श्रीखंड अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने श्रीखंड में शुगर डाल दिया हुआ है एक और उसके अंदर केसर, केसर वाले केसर वाला दूध है। हाँ ये केसर वाला है दूध में, ये भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग ड्राई फ्रूट्स में उसमें डाल सकते हैं बादाम, काजू, पिस्ता, ये पिस्ता और बादाम वो काट के रखा, क्रॉस करके रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से अभी। सो ये यहाँ पे जो श्रीखंड है उसका मिक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्यादा बहुत ज्यादा हिला कर ही कर मिक्स करके ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पापा ने फाइनली श्रीखंड रेडी कर दिया। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करने के लिए गए थे, यहाँ थोड़ा सा अभी बारिश से जल्दी आ गए हम लोग, तो यहाँ पे उन्होंने तब तक ये श्रीखंड रेडी कर दिया। अभी इसको हम वो फ्रिज में रख के थोड़ा सा चिल्ड करेंगे, चिल्ड करने के बाद हम लोग अच्छी तरह से उसको खा सकते हैं। तो अभी वो गुजराती में बोलते हैं क्या बोलते हैं, मठो गुजराती में उसको मठो बोलते हैं, मठा। लेकिन श्रीखंड भी बोलते हैं ना, श्रीखंड थोड़ा हार्ड आता है, ये सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट है इसीलिए, पर टेस्ट में काफी अच्छा है। सो आज बस देखो मेरे पापा ने आज का व्लॉग मेरे पापा ने शुरू किया था और उनको लगा था कि आज मतलब उन्होंने शुरू किया और उन्होंने काफी व्लॉग आज मेरे पापा ने इन्वॉल्व किया मेरे व्लॉग में जो श्रीखंड का उन्होंने बनाया, तो उनको लगा क्योंकि इतने टाइम से वो मेरे व्लॉग्स देख रहे थे और यहाँ आने के बाद जो प्रैक्टिकली देख रहे थे, तो उन्होंने लगा कि मैं भी इन्वॉल्वेशन दूँ हमारे ये व्लॉग में। तो मुझे भी काफी अच्छा लगा, हम सबको भी काफी अच्छा लगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, उन सबको भी मोटिवेशन मिला। सो होप सो आप सबको ये मेरे पापा ने जो शुरू किया और ये श्रीखंड का आप सबको अच्छा लगा हो व्लॉग सब सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप सबको पसंद आया तो। अगर नहीं आया तो फिर मैं और ट्राई करूँगा ज़्यादा उसको अच्छा बनाने की। सो बस आज का व्लॉग में यहीं एंड करता हूँ, हम लोग जल्दी से मिलेंगे अब नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ।